नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। आज के लेक्चर में हम लोग मैथ्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस जो है, लास्ट लेक्चर जो हम लोग मैथमेटिक्स का किए थे, इंडिसेस एंड सॉर्ट्स, घातांक एवं करणी वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे, उसी से रिलेटेड है। जो भी क्वेश्चंस इस सेशन में हैं, वो क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पॉलिटेक्निक एंट्रांस 2023 के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्चुअल्स हैं। आप एक एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखने को आपको मिलेगा और अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसीलिए आप ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखेंगे और उसका प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। ठीक है, इस कोर्स में हम लोग, आपको पता है कि हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रांस 2023 के लिए जुड़े हुए हैं। जो भी बच्चे अभी तक इस कोर्स में नहीं जुड़े हैं, उनको भी आप जोड़ने का काम कर सकते हैं। लेक्चर जो है, सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो है टेलीग्राम पर। इसी कोर्स से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है हम बनाए हुए हैं, जो कि इस नंबर पर अवेलेबल है, 9155470045। इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हम लोगों को जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है कि नहीं। 16 का घात 5/5/2 प्लस 16 का घात -3/2, 16 टू द पावर 5/2 प्लस 16 टू द पावर -3/2, इसका जो है हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 16 का पावर 5/2 प्लस 16 का पावर -3/2, हम लोग इसको देख पा रहे हैं, है ना। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, इस 16 को जो है हम लोग अंदर वाला जो 16 है, यहाँ पर जो 16 है उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसका पावर 5/2 लिख सकते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं और उसका पावर -3/2 लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़े ही देर में समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। अगला स्टेप जो है हम लोग करने जा रहे हैं क्या, कि 4 का पावर, ये देखिए ये पावर का पावर है कि नहीं। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में जो है लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़े थे, घातांक के नियमों में हम लोग क्या पढ़े थे, कि अगर पावर के भी ऊपर पावर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 5/2 से, है कि नहीं। और यहां पर प्लस रहेगा, फिर इसी तरह यहां पर होगा 4 और ये 2 का मल्टीप्लाई -3/2 से। ठीक है, ठीक है, ये स्टेप आपको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर से हम लोग काट सकते हैं, 2 से 2 कट गया, यहां 2 से 2 कट गया, है कि नहीं। अभी जो है हम लोगों के पास क्या बच गया, 4 का घात 5 प्लस 4 का घात -3, ये बच गया, है कि नहीं। अभी 4 का घात 5 अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 1024। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और इस 4 का घात -3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, 1/4 का घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस में ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, घातांक के नियमों में, है कि नहीं। अब हम लोग कर सकते हैं 1024 प्लस ये हो जाएगा 1/4 का पावर 3, 4 का पावर 3 मतलब क्या, 1/64, है कि नहीं।
अब अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 64 एलसीएम आएगा, है कि नहीं? और यहां पर आ जाएगा 64 इंटू 1024 प्लस यहाँ पे 1, है कि नहीं? और ये जो है बराबर आ जाएगा किसका, 6 5 5 3 7 by 64, है कि नहीं? ये जो है बराबर आ जाएगा, जब इसको आप लोग जो है गुना करके यहाँ लिखेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे तो ये जो है 65537/64 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है? एक-एक स्टेप को आप अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, है ना? हम एक भी स्टेप जो है यहाँ पर जंप नहीं कर रहे हैं, सारे स्टेप को हम क्लियरली यहाँ पर बता रहे हैं ताकि आपको ईच एंड एवरी स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और क्वेश्चन जो है वो आसानी से आपका बन पाए, है कि नहीं? आप जैसे प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे आप स्टेप्स जंप कर सकते हैं, है कि नहीं? स्टेप्स को जो है आप जंप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, वो है इफ 3 का पावर 2n-1 इज इक्वल्स टू 1/27 का पावर n-3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n का हम लोग को वैल्यू निकालना है यहाँ पर, है कि नहीं? तो हम लोग को इक्वेशन दिया गया है क्या, 3 का पावर 2n-1 इज इक्वल्स टू 1/27 का पावर n-3, ये दिया गया है, ठीक है? यहां पर आप देख रहे हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह, क्या 3 का पावर 2n-1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का पावर 3 into n-3, ऐसा हम लोग लिख पाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि 3 का क्यूब है 27, 3 का क्यूब है 27, है कि नहीं? हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगला स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 2n-1 इज इक्वल्स टू 1/, ये 3 यहां पर रहेगा, इस 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें इस n से तो क्या हो जाएगा, 3n, और फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करें इस 3 से तो ये -9 हो जाएगा, है कि नहीं? अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का पावर 2n-1 तो रहेगा, है कि नहीं? यहां पर 1/ इस 3n के पावर को अगर हम लोग जो है ऊपर ले जाएं, है कि नहीं, ऊपर ले जाएं, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर -3n-9, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर दिए तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगा यहाँ, है कि नहीं? अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बेस जो है हमारा सेम है, 3 का पावर दिस इज इक्वल टू 3 का पावर दिस, है कि नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल्स टू यहाँ पे होल्ड करेगा, है कि नहीं? तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं 2n-1 विल बी इक्वल्स टू क्या, -3n-9, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग यहां करते हैं, 2n-1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहां पर क्या, माइनस को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा 9-3n, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? और हम लोग यहां पर लिख पाएंगे क्या कि 2n, और इस -3n को इधर ले आएंगे तो ये +3n इज इक्वल्स टू 9, और इस 1 को इधर अगर हम लोग ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, +1, तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे और 5n विल बी इक्वल्स टू 10, और हम लोग लिख पाएंगे क्या, n विल बी इक्वल्स टू 10/5, तो ये क्या हो गया हमारा, n इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर क्या है, वो सही है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर क्या है, वो सही है, 2 आ गया आंसर, है ना? एन का वैल्यू क्या आया, 2, ठीक है? एक एक स्टेप आपको समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप को जो है हम अच्छे तरीके से करके आपको दिखा रहे हैं, है कि नहीं?
अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है क्या है कि हम लोग को जो है इसको इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है। ये जो है हम लोग कल जो है पढ़े थे, जो है पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे मैथ्स का, उसमें हम लोग पढ़े थे सॉर्ट्स इंडिसेस, है कि नहीं। तो हम लोग एक सॉर्ट्स के फॉर्म में इस तरह से लिखने जान रहे थे, ये जो था इस तरह का जो फॉर्म में लिखते थे ये सॉर्ट्स का फॉर्म था, और हम लोग पावर के फॉर्म में जब लिखते थे, है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी पावर है, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, इंडिसेस, है ना। और इंडिसेस को हम लोग क्या बोले थे कि इंडेक्स का वो प्लूरल फॉर्म है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को किस फॉर्म में लिखा लिखने बोल रहा है, इस फॉर्म में यहाँ पर गिवन है और इस फॉर्म में हम लोग को लिखना है कि नहीं। तो यहाँ पर 4/5 3 और इसमें जो है ये अंडर रूट ऑफ 9 है कि नहीं। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 4/5, है ना, और ये 3/9, इसका पावर इस तरह से लिख सकते हैं, है कि नहीं। जिस तरह से हम लोग अगर इस तरह से रहता है ना, अगर मान लेते हैं कि ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 2 है कि नहीं, और यहाँ पर कोई एक नंबर है, ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 1 x^2। तो ये 2 क्या आया, यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, तो ये 2 नीचे आ गया। उसी तरह क्या हुआ, यहाँ पर इसका जो पावर 3 था, जस्ट ये 9 क्या आ गया, इसके नीचे आ गया, है ना। तो ये जो है आंसर हो गया हमारा 4/5 3/9, है कि नहीं। अब जो है हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 3 1 3 3 3 9, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4/5 1/3, है कि नहीं, 4/5 1/3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अभी देखिए ये रेडिकल के फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं, ये रेडिकल के फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग को लिखना है क्या, सॉर्ट के फॉर्म में, है कि नहीं, इस टाइप के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, देखिए जस्ट रिवर्स करेंगे, जिस तरह से हम लोग किए पिछला क्वेश्चन में उसी का उल्टा करेंगे, है कि नहीं। 13/25 3/4 दिया हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे, इस 4 को यहाँ ले आएंगे और 13/25 3 कर देंगे, है कि नहीं, 13/25 3 कर देंगे, और जो है 4 को हम इधर ले आएंगे, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर क्या है, वो सही है, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो क्या है, वो सही है, ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ गए। अगला प्रश्न है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, यहां पर जो दिया गया है उसका वैल्यू जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 512 का घात -3/9, ठीक है। तो 512 को जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2^9, 2 का घात 9, और ये तो रहेगा, है कि नहीं। 2 का घात 9 के बराबर होता है 512, मीन्स 2 का घात 9, 2 का घात 9 = 512, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 2 का घात 9 लिख दिए 512 की जगह, क्यों लिखें, अभी देखिए 2 का घात 9 है और यहाँ पर पावर का पावर है, घात के ऊपर घात है, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, और ये तो ये 9 और 9 कैंसल आउट हो गया, कट गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर आ गया क्या, 2^-3, है कि नहीं। अब हम लोग इसको लिख पाएंगे 1/2 क्या 3, है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 1/8, क्यों, 2 का क्यूब यहाँ कर देंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 1/8, है कि नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर क्या है, वो सही है, 1/8। आपको सब समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप जो है समझ में आ रहा है कि नहीं। सारा जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल है। आपको अगर पिछला लेक्चर जो हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस एंड लॉज ऑफ सॉर्ट्स पढ़े थे, वो सब अगर आपके ध्यान में है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है आराम से आपका बनेगा, है कि नहीं। घातांक के नियम और सरकर्णी के नियम अगर आपके दिमाग में है, तो ये सारे प्रश्न जो है आसानी से बन सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस घातांक और करणी के नियम को जो है यहाँ पर बस लागू कर रहे हैं, है कि नहीं।
हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिसेस एंड सॉर्ट्स का जो रूल्स था, लॉज था जो हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और हम लोगों का जो है आंसर मिल रहा है, है कि नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 216 का घात 2/3 का घात 1/2 है कि नहीं। इस प्रश्न को हम लोग किस तरह से हल करेंगे देखते हैं। 216 का घात 2/3 और उसका घात 1/2 है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का घात 3। 216 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 6 का घात 3, 6 का घात 3 और इसका घात 2/3 और इसके ऊपर जो घात दिया हुआ है वो है 1/2 है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, 6 का घात 3 × 2/3, ये 3 से 3 कट गया, है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, 6 का घात 2 बचा यहाँ पे और उसका घात ऊपर में है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं, और ये भी कट जाएगा, तो 6 का घात 1 मतलब 6 बचा सिर्फ यहाँ पे, है कि नहीं। तो हम लोग का जो आंसर है वो डी है, यहाँ पर डी जो है वो ऑप्शन जो है हमारा सही है। क्या किया हम लोग, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, तो 6 का घात 2 बचा यहाँ पर, 6 स्क्वायर बचा, है कि नहीं। और स्क्वायर का पावर फिर स्क्वायर है यहाँ पर हाफ, तो ये स्क्वायर जो है उस हाफ से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, कट के 1 बन गया, सो 6 का पावर 1, तो 6 का पावर 1 विल बी 6, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, सही हो गया, है कि नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ दिस, है कि नहीं, इसका वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग के पास दिया है √63 × √7/(³√(27)). ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि रूट का अंडर वाला जो मल्टीप्लाई है इस तरह से हो सकता है, रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। और हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब 3 का घात 3। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि जब ये स्क्वायर और रूट का जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, कर देता है कि नहीं कर देता है, कर देता है कि नहीं कर देता है, कर देता है कि नहीं, तो इस दोनों को कैंसल आउट कर देगा। ठीक है, और ये ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा 63 × 7 तो ये बन जाएगा 441 और ये बटे में आ जाएगा 3 हमारा, है कि नहीं। और 441 किसका रूट है, 441 किसका जो है स्क्वायर है, तो ये 21 का स्क्वायर है, 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये बटे 3, ठीक है। अब ये 3 सत्ती तो ये आ गया 7, ठीक है। जब 21 × 21 लिखेंगे हम लोग, है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 441, ठीक है, तो वहाँ में से एक 21 जो है आ जाएगा बाहर और ये 7, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम लोगों का यहाँ पर सही है। क्या इसका आंसर जो होगा वो होगा 7, 7। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है हमारे पास, है कि नहीं, 8वां प्रश्न हमारे पास है, क्या है कि इस नंबर का जो है 0.03125 का जो है घात -2/5। ठीक है, हम लोग इस नंबर को लिख पाएंगे क्या, 3125/1 50, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बदले हम 1 लिख दिए यहां पर, डेसिमल के बदले हम क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, और उसके बाद 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट 50, 1 2 3 4 5 50। ठीक है, हम लोग अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, लिख पाएंगे, है कि नहीं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग इस तरह से लिख दें,
इस तरह से लिख सकते हैं। हम माइनस को हटाने के लिए क्या किए, इसको हम लोग रेसिप्रकल कर दिए, है ना, क्या कर दिए, रेसिप्रकल माने उलट दिए, फ्रैक्शन को क्या किए हम लोग, उलट दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 10 का 10 बटे 5 का पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं। ये 10 का पावर 5 है और ये 5 का पावर 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 5, और ये ऊपर में क्या था, पावर का पावर 2/5, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट गया, है कि नहीं, तो ये बचा क्या, 5 × 2 = 10, है ना, और 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, है कि नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही है, 2 × 2 = 4, 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है 4, वो हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई स्टेप ऐसा जो समझ में नहीं आया, ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, नौवा जो प्रश्न है वो है √18 + √50 - √32 इक्वल्स टू कितना, इसका वैल्यू हमको निकालना है। जितना भी क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। सभी का जो है इक्वेशन दिया गया है, उसका मान ज्ञात करना है हम लोगों को, और कुछ भी नहीं करना आज के दिन, है ना। चलिए तो रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 6 × 18, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं आप, 2 × 5 × 5, 2 × 5 = 10, 5 × 10 = 50, ठीक है, लिख सकते हैं। माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, है कि नहीं, हम लोग लिख पाए, लिख पाए कि नहीं लिख पाए, अभी ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चल अभी हम लोग जानते हैं कि ये जो है क्या है, स्क्वायर रूट है, ये क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो 2 के बदले 1 निकल सकता है, तो 2 के बदले, यहाँ 2 3 है, तो इसके बदले 1 निकल गया 3, और ये बच गया √2, ठीक है, रहने देते हैं उसको। यहाँ पर 2 5 है, इसके बदले 1 5 निकल गया, इसको निकाल लेते हैं, अब बच गया 2, तो उसको रहने देते हैं। माइनस यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ा मतलब 2 × 2 = 4, 2 × 2 निकल जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और ये √2 बच जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 3 रह जाएगा प्लस यहाँ पर 5 आ जाएगा, है ना, और यहाँ से -4 आ जाएगा, ठीक है, और ये √2 जो है ये सभी के लिए कॉमन है, सभी में है √2, है कि नहीं। अब ये 5 × 3 = 8, माइनस का 4, और ये √2, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 4√2, है कि नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताएं, हम एक एक स्टेप आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर हम लोग, चलिए 10वां प्रश्न हमारे पास है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं। यहां पर जो है हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट को सीखेंगे अभी, ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग क्या बोले थे कि पावर के ऊपर पावर और उसके ऊपर पावर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो है ना नंबर्स का पावर ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, उसका पावर बनेगा। अभी 2 का पावर 3 का पावर 2, उसका पावर 3, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3, है कि नहीं, और उसका पावर 2 और उसका पावर जो है वो क्या है, 3,
है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसका पावर 2 का पावर 3 लिखाएगा, तो 2 का पावर 3 रहेगा और ये 2 का पावर 3 8 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, है ना, 6 6 3 दूने 6 3 18 मीन्स 2 के घात 18 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी जो है इसको अगर हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3, तो 3 का पावर 8 है, तो 3 का पावर 8 जो है हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और 3 का पावर 8 अगर हम लोग करेंगे तो 3 का पावर 8 बराबर कितना होगा, यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा, है कि नहीं, 3 का पावर 8 बराबर कितना होगा, यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा 65 61, ये होगा हम लोग का ये 3 का पावर 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का पावर 18। अभी देखिए बेस सेम हो गया, बेस हम लोग का सेम हो गया, यहाँ पर डिवाइड है, क्या होगा, कुछ नहीं, पावर जितना है वो माइनस हो जाएगा, 6561 माइनस 18, है कि नहीं। तो 2 का पावर जो है माइनस होके हमको कितना मिल जाएगा, 6543, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो यहाँ पे सही है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। हम लोग क्या किए, बेस को सेम रखे, पावर को जो है हम लोग क्या किए, कैलकुलेट कर लिए, पावर जो है कैलकुलेट करने के बाद डिवाइड था, तो पावर जो है हम लोग का क्या हो गया, माइनस हो गया, है कि नहीं, बेस सेम, पावर जो है डिवीजन के केस में क्या हो गया, माइनस हो गया, है कि नहीं। तो हम लोग का ये भी प्रश्न जो है वो बन गया। आज का सेशन का ये 10वां क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो 11वां प्रश्न ये है, ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको आप देखकर बहुत मजा आएगा इसको हम लोग को करने के बाद, है कि नहीं। अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक्स का पावर एक्स का घात 4, इसका रूट एक्स का घात 4, फिर इसका रूट एक्स का घात 4, है कि नहीं। तो हम लोग इसको जब निकालेंगे, है कि नहीं, तो एक्स का घात 4 और इसको जब निकालेंगे तो ये बचेगा एक्स का घात 2, ठीक है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, और ये रहेगा अभी एक्स का घात 4, ये रहेगा, है ना। और जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 2 6, क्यों, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो एक्स का घात 4 और ये बचेगा एक्स का घात 6, है कि नहीं। फिर जो है ये जब रूट हटाएंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, है कि नहीं, तो एक्स का घात 4 और ये जब 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा एक्स का घात 3, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट है, मतलब ये है कि नहीं, स्क्वायर रूट है। अभी देखिए ये फिर जो है बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, तो ये रूट अंडर एक्स का घात 7 हो जाएगा, है कि नहीं। अब फिर ये 2 से जब डिवाइड होगा तो एक्स का घात 7/2, है कि नहीं, एक्स का घात 7/2 इसका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहां पर हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहां पर सही है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी, अच्छा है कि नहीं। अच्छे अच्छे प्रश्न आज के सेशन में हम लोग लिए थे, ये सारे प्रश्न बहुत ही जो है रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हर एक प्रश्न में जो है कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग सीख रहे हैं, है कि नहीं। तो आज का सेशन का जो है अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो है कि हम लोग का 12वां प्रश्न है, आज का सेशन का ये अंतिम प्रश्न है कि नहीं, इसको हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग को x का मान जो है निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान जो है हम लोग को क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर दिया गया है 3 का पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 27 का पावर 2x माइनस 5, है कि नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं, 3 का पावर x प्लस 5 यहाँ रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3, है ना, 3 का क्यूब है 27, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 5 से, है कि नहीं। अब देखिए ये जो है बेस हम लोग सेम कर दिए हैं, बेस हम लोग सेम कर दिए, तो पावर क्या होगा, उसको इक्वेट कर देंगे, x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 3 × 2x माइनस 5, ठीक है। अब हम लोग लिख पाएंगे x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 3 × 2 = 6,
तीन दूने 6x माइनस 5 थी है 15, है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ लिख पाएंगे क्या कि अगर हम लोग 6x माइनस एक्स कर दें और हम लोग इस इधर से इसको कर दें क्या कि 15 और 5 जोड़ दें, है कि नहीं। तो ये 5x इज इक्वल्स टू 20, है कि नहीं। हम लोग क्या किए, इस x को इधर ले गए, इस 15 को इधर ले आए और इसको हम लोग लिख दिए इस तरह से सजा के, है कि नहीं। अभी जो है x बराबर क्या हो जाएगा 20/5 और जो कि हमको देगा क्या 4, मीन्स x इज इक्वल्स टू 4 हम लोग का आंसर, है कि नहीं। x इज इक्वल्स टू 4, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो यहाँ पर सही है। तो आज के सेशन में हम लोग कुल 12 प्रश्न किए, 12 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए और हम लोग देखें कि हर एक क्वेश्चन हर एक प्रश्न में अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखने को मिला, समझने को मिला, देखने को मिला, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये 12 प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप कहीं भी फंस रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है तो आप दोबारा से इस लेक्चर को देख सकते हैं। आपका जो भी डाउट आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि दोबारा देखने से आपका जो वो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं वहां से भी आप जो है उस प्रश्न का जो है पूछ सकते हैं, जो भी डाउट वगैरह हो रहा है वहां से पूछ सकते हैं। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।